नया जन्म। आमेन। हम एक ऐसी आशा रखते हैं वो जिंदा आशा है। आमेन। अगर आपकी आशा है पूरी होगी, टूटेगी नहीं। आमेन बोलो। हम अपने पुराने मनुष्यत्व को खत्म करेंगे। हालेलुया। हमारा वो व्यभिचार करने वाला मनुष्यत्व है, हमारा पाप करने वाला मनुष्यत्व है, हमारा निंदा करने वाला मनुष्यत्व है, गाली देने वाला मनुष्यत्व, उससे खत्म करेंगे, प्रभु को दे देंगे और हमें प्रभु एक नया मनुष्य बना देगा। हालेलुया। रोमियो अध्याय 6वां वचन और उसका 6 पद को पढ़ो जल्दी से। और क्या लिखा है? यीशु मसीह हमारे लिए नया मनुष्यत्व देता है। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। हम नए मनुष्यत्व में आ जाएंगे। बोलो हम नए मनुष्य बन जाएंगे। रोमियो अध्याय 6 उसके 6 पद को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? हाँ, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह के साथ सलीब पे चढ़ा दिया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, पाप का शरीर खत्म हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे और हम आगे को पाप के गुलामी में ना रहे। आमीन। और आगे क्या लिखा है? हाँ, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, यीशु मसीह के नाम में। बोलो, जो मर गया किसमें मर गया? पाप के लिए मर गया। आज आपको भी मरना है। जितने लोग यहां बैठे हो मरना पड़ेगा भाई, है मरना पड़ेगा आपको। सोच लो कौन लोग मरने के लिए तैयार है। अरे बाप रे बाप, वाह, सच में। पाप के लिए, किसके लिए मरना है? जानते, पाप बहुत अट्रैक्शन करता है, पाप बहुत आकर्षित करता है लोगों को। हमें उसके लिए क्या हो जाना है? व्यभिचार के लिए क्या होना है? बोलते जाओ, पाप के लिए क्या होना है? व्यभिचार के लिए क्या होना है? संसार की गंदगी के लिए क्या होना है? झूठ के लिए क्या होना है? निंदा के लिए क्या होना है? लुच्चपन के लिए क्या होना है? ओ बोलो, मर जाना है। और जो मरा वही यीशु मसीह के द्वारा जिलाया भी जाएगा, यीशु मसीह के नाम में। जो अपने आप को बोलता है मैं जिंदा हूं, प्रभु उसके पास जाएगा ही नहीं, बोलेगा भाई तू तो जिंदा रहे। पर यीशु मसीह तो मरे हुए के लिए आया ना, जो पाप में मर गया था यीशु मसीह उसके लिए आया। ओ जी, प्रभु किसके लिए आया? उन धर्मियों के लिए नहीं आया यीशु मसीह, तो अधर्मियों के लिए आया। किसके लिए आया? अभी हमने पढ़ा 3:18 में, पहले पत्रस में, अधर्मियों के लिए धर्मी ने क्या उठाया? दुख उठाया। कोई बोलता मैं जी बहुत धर्मी हूं, जी मैं बहुत धर्मी हूं, पर अगर वो यीशु को नहीं जानता तो सब बेकार है। अगर वो यीशु को जानता है और हर बुरे कामों को त्याग कर यीशु के पीछे चल चुका है तो उसे किसी से कहने की जरूरत नहीं, वो खुद धर्मी बन चुका है यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठा के बोलो मैं धर्मी व्यक्ति हूं। तो आपसे कौन गाली देना शुरू करेगा बताओ? आप धर्मी हो तो गाली दोगे? नाम तो नहीं खराब करोगे प्रभु का, है? अगर आप एक धर्मी व्यक्ति हैं तो आप व्यभिचार तो नहीं करोगे, लड़ाई तो नहीं करोगे, अहंकार में तो नहीं चलोगे? अगर अभी भी आपके अंदर अहंकार है, अभी भी आपके अंदर लुच्चपन है, अभी भी आपके अंदर बुराई है, तो आप धर्मी नहीं हो। यीशु बचाना चाहता है। हाथ उठा के बोलो यीशु छुड़ाना चाहता है, यीशु बचाना चाहता है, वो बचाना चाहता है। क्या आप बचना चाहते हैं? हाथ उठा के ऑनलाइन जितने लोग साथ में, क्या आप बचना चाहते हैं? ध्यान से सुनो, केवल हमें धरती के लिए ही नहीं, वो हमें तैयार कर रहा है स्वर्ग के राज्य के लिए। अब जब तक आपका संबंध पिता से नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में, तब तक आपका उद्धार नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु को अपने जीवन में आने दो, और यीशु जब अंदर आ जाएगा वो आपको पिता के पास पहुंचाएगा यीशु के नाम में। आमीन। इसलिए आज हर एक इंसान, अगर जो अपने पापों को नहीं मानता, मैंने ऐसे बहुतों को देखा है, वो अपने पाप कभी नहीं मानेगा। वो बोलेगा मैं पापी नहीं हूं, वो बोलेगा मैं पवित्र आदमी हूं, वो बोलेगा मैं धर्मी आदमी हूं, मैंने कभी पाप नहीं किया। वो आदमी पक्का पापी आदमी है, वो बहुत पक्का पापी आदमी है, उसका वजन ज्यादा है पाप में। पर जिसने कहा प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मेरे पाप क्या कर? क्षमा कर। और निश्चय ही यीशु मसीह उसे अपने हाथों से पकड़ेंगे, गले लगा लेंगे, उसके पापों को खत्म करके उसे अपना बेटा बना लेंगे। आमीन। हालेलुया।